हेलो फ्रेंड्स, सुबह और कैसे आप सभी लोग। और गाइस, आज आपका स्वागत है मेरे चैनल मिसाइल गेमर्स पर। तो गाइस, फिलहाल आज की वीडियो में आपका स्वागत है वापस से हॉरर गेम की दुनिया के अंदर। तो गाइस, आज जो हम गेम खेलने जा रहे हैं उसका नाम है आइस क्रीम, जिसका आज हम 7th पार्ट खेलने जा रहे हैं। तो गाइस, वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगी, वीडियो बिना स्किप करें एंड तक ज़रूर से देखना। तो गाइस, आज की वीडियो में कुछ तो स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आ चुके हैं मेरे दो धमाकेदार भाई। तो चलो मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ जरा, इन 3, 2, 1। हेलो फ्रेंड्स, तो गाइज मेरा नाम है आदित्य और ये मुझे प्यार से आदि कहते हैं। और गाइज मेरा नाम है शौर्या। तो गाइज, आपने इन दोनों की इंट्रोडक्शन तो सुनी ली होगी। तो बाय द वे, इनकी भी कुछ एबिलिटीज हैं। ये क्या बोल रहा हूँ भाई, अभी भी गेमिंग का मूड चल रहा है मेरा। एबिलिटी मतलब स्पेशलिटी है गेमिंग के अंदर। तो गाइज, जो आदि है वो है शेडो फाइट का कतई जहर वाला प्रो, और जो शौर्य है वो फ्री फायर का कतई जहर वाला प्रो है। और उसका एक चैनल मिस्टर वांटेड भी है, जिसे आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस, जिसको अभी तक स्टोरी नहीं पता, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें एक खतरनाक किडनैपर रोड होता है, और वो हमारे दोस्तों को किडनैप करके अपनी फैक्ट्री में रख लेता है। हमने दो दोस्त को बचा लिया था, तीसरे को बचा रहे लिस है जो, पर वो हमें किसी कैमरे में नहीं मिल रही। हम अभी कंट्रोल रूम में माइक बोल रहे हैं। क्या तुम्हें पता है जब हम रोड से एस्केप करे थे तो लिस कौन से पाइप में गई थी? ये बोल रहा है शायद से ब्लू पाइप में गई थी, पर ये बोल रहा है मेरे को श्योरिटी से बताओ भाई किस पाइप में गई थी। और ये बोल रहा है मोटा भाई काम डाउन, भाई चुप हो जाओ। और ये काम डाउन नहीं हो रही, इनकी लड़ाई चल रही है। बेचारा मोटा परेशान हो रहा है भाई, उसकी बहन है वो। और इसे तो से भाई कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है खेलने का मोटे को। और इनकी लड़ाई में ये पता नहीं क्या हो चुका है, यहाँ पे ये पाइप खुल चुका है। लेट्स गो। तुम माइक भाई तू जा बचाने, क्योंकि ये तो कैमरा चलाने में एक्सपर्ट है और मोटा तो कोई काम नहीं करेगा, पता है मेरे को। तो इसने इससे गन छीन लिया और बोल रहा है मेरे को तुम्हारी वो क्या बोलते हैं सिस्टर को रेस्क्यू करने जाना है। तो ये बोल रहा है इसको जब मैं पाइप में एंटर करूं तो पाइप को तुम बंद कर देना, और तुम्हें ध्यान भी रखना है कि रोड आए ना आए। इसे ज़्यादा ही फिक्र नहीं हो रही भाई माइक को इसकी। तो गाइस, ये रिलीज जिसे आज की वीडियो में हमें बचाना है। वेल आई हैड बेटर डू समथिंग सून। तो ये भी कह रही है हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तुम बताओ तुम्हें ट्यूटोरियल कैसा लगा? भाई ट्यूटोरियल तो कतई जहर था यार वो, और भाई तेरा गेम प्ले तो वहाँ ही कुछ था। अरे भाई अभी तो गेम प्ले शुरू तो करने दो, कुछ ज़्यादा ही। भाई तेरी पिछली वीडियोस देख के हमें पता है, जो तेरे पिछले एपिसोड थे। अच्छा, हमने उसे देख देख के भाई भाई तुम्हें कतई जहर है यार। तुमने लगता है पिछले एपिसोड देख के तुमने भी आइसक्रीम 6 तक पार कर रखी है। हाँ भाई, और क्या भाई। तो लेट्स गो, अभी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बटन है और बटन दबाते हैं, यहाँ पे स्फेरिक पीस आ चुका है। तो गाइस, इस स्फेरिक पीस से हमें क्या करना है, कोई आइडिया है भाई? भाई शायद हमें उस, ये एक तरह का मेज है और हमें स्फेयर वाले उस शेप के पास जाना है शायद, वहाँ पे नहीं। कोई क्लू दिखे, ये सर्कल है और हमें सर्कल के पास जाना हो सकता है। अब इसने भी तो यही कहा भाई। तो लेट्स गो, अभी हम सर्कल के पास आ चुके हैं। यहाँ पे गैप है, डाल दूँ क्या इसके अंदर? डाल के देखियो, पता चले पूरी फैक्ट्री उड़ दे। नहीं कुछ खुला है भाई। एट द कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट सब्जेक्ट हैज ओपनड। लेट्स गो, कुछ तो खुला है, ये दरवाजा खुलाएगा पक्का। अंतर मंतर छू मंतर कुछ नहीं खुला भाई, साइड वाली वेंट खुली है। लेट्स गो, वेंट के अंदर चलते हैं और अब हम साइड में जा सकते हैं। फिलहाल ये वेज की दूसरी साइड और हम फैक्ट्री में आ चुके हैं, एंटर कर चुके हैं मतलब फैक्ट्री के अंदर। यहाँ पे एक कमरा था और इसकी फैक्ट्री तो कतई भूल भुलैया है भाई, कैसे पार करेंगे हम? तो यार यहाँ पे एक फ्यूज़ बॉक्स है और ये बहुत दूर है, तो हमें कुछ इलेक्ट्रीफाइड चाहिए इसे रिएक्टिवेट करने के लिए। भाई पता नहीं क्या इलेक्ट्रीफाइड लगेगा, शायद हम माइक की गन से कर पाए। तो गाइस, इसको करने से शायद ये दरवाजा खुल जाए। द डोर इज आउट ऑफ पावर, इट्स फ्यूज बॉक्स मस्ट बी क्लोज बाय। ओके, तो फ्यूज बॉक्स पे अगर हमने माइक की गन मारी तो ये खुल जाना चाहिए। यहाँ पे हमें कुछ मिलेगा क्या भाई? इसमें तो मैं कुछ मिल जाए भाई, इसमें भी नहीं मिला। ये क्या है, ब्रेन इन अ जार? अब ये का बवासीर है, ये क्या लिख रखो भाई इस पे? पता नहीं भाई कौन से केमिकल का नाम है यार, फेंको भाई। से पता चला हम ही मिनी रोड बन गए अगले दिन। ब्रेन किसका आता है भाई जार के अंदर? वाह भाई ये भी सही है। हाँ वैसे तुमने सही बात कही, और कुछ भी हमें काश मिल जाए
मैं भी ढूंढा ठंडे में ही लगा हुआ अभी। ओह प्रोटीन्स यहाँ पे हमें मिले हैं, इसे यहाँ पे फेंक देते हैं। ये क्या है, ये मेरे को चूहे की आवाज़ सुन आ रही है। और यहाँ पे ये चूहे का हैमस्टर एनाटॉमी है भाई, इसकी बॉडी बन रखी है। ओ भाई यहाँ तो चूहा है, तो हैमस्टर है भाई, हैमस्टर है ब्रो ये। इसका नाम क्या है? ओ भाई ये क्या रख रहे हो, इसका नाम रख देते हैं ना रोड, रख दे रोड। हाँ रोड, अबे ये भी मारने लग देगा भाई हमें। हाँ भाई। पता चले रोड रख रहे हैं, कभी हम इसे निकालने के बाद ये भी मिनी रोड बन जाए। अरे भाई भाड़ में जाओ, इसका नाम कुछ नहीं रखते हैं। लेकिन इसका ब्रेन तो बहुत छोटा होगा जो कि एक जार के अंदर आ सकता है ना। हाँ आ भी सकता है, पर उसका इसके ब्रेन को थोड़ी काट के लगाएंगे, मर नहीं जाएगा ये। अबे भाड़ में जाओ भाई, बाद में देखेंगे। द डोर इज लॉक्ड फ्रॉम द अदर साइड। तो चलो भाई अभी यहाँ पे हम कुछ ढूंढते। ओ कॉलिंग रूम, शायद हम जा पाए। बिफोर एंटरिंग हेयर यू हैव टू लुक फॉर एन एग्जिट। ये री लेट्स गो, अब जाएंगे। अबे अभी भी नहीं काम कर रहा, कुछ लेटर है क्या? तो गाइज मैं इस लेटर को एक बार फड़ के आ जाता हूँ। तो गाइज इस लेटर में कुछ ऐसा लिखा है कि पहली बात तो ये रोड की तरफ से है, मिनी रोड के लिए, कि ना उनने ये लेटर उनके लिए छोड़ा, अगर वो अपना की कार्ड भूल जिस रूम में एक्सेस करने का, तो वो उन्हें स्टोरेज रूम में जो टाउन पार्किंग लोट में वहाँ पे मिल सकता है। तो अभी हमें ये चीज़ माइक को बतानी चाहिए और जे को भी, जो हम कॉलिंग रूम से ही कर सकते हैं। फिलहाल माइक आ चुका है इस पाइप से गिर के। प्लीज़ कैन यू हियर मी आज भी? ओके ओके भाई, तो 1000 करोड़ साल के बाद मिल चुके हैं। और गाइज ये बोल रही है शैल वी गो नाउ, भाई कहाँ से जाएगी, दीवारें तोड़ी थोड़ी चली जाएगी यहाँ की फैक्ट्री की। और गाइज इसका भाई तो आया नहीं, बाकी वो वहाँ पे गाइज सो रहा होगा, गाइज अपने घोड़े बेच कर। गाइज उसका फ्रेंड आ रहा है, गाइज उसकी बहन को बचा रहे हैं। भाई साहब ये जे भी कैमरा से हमें देख रहा है और इसने सारी बात जे को बता दिया है। और इस मोटो को भेजना चाहिए भाई, उठा दे ना भाई, कोई इसे उठा तो दो यार। मेरा तो ऐसा मन कर रहा है इसके अभी अभी ना यार इसके मुंह पे कुछ मारू फेंक के, इलेक्ट्रिक गन मार इसके मुंह पे। इलेक्ट्रिक गन तो माइक लेके गया है, तेरी वही ने तो रिमोट मारा यार शायद कोई वही भाई बढ़िया गया भाई। अभी से ये बेस्ट थिंग एवर आई सीन इन आइसक्रीम 7 भाई, ये अभी से पार्किंग लॉट में भेज रहा है ताकि, क्योंकि रोड भी टाउन में जा रहा है, तो ये वैन में बैठ चुका है और अभी हम जा रहे हैं सीधा पार्किंग लॉट में। पर मोटू क्या कर रहा है? पर एक सेकंड भाई, ये तो वैन में नहीं बैठा, स्लिम फिट हो रहा है, सैर कर रहा है इसलिए। भाई ये पतला होने के लिए थोड़ी कर रहा है, अब वो तो अच्छा यहाँ पे चेकिंग हुई और ये बैठ गया। पर एक सेकंड ये बोल रहा है इसे पता ही नहीं ये क्यों आई ना भाई। वाह भाई इसकी हमें तो पता है, चलो अच्छी बात है हमें तो पता है भाई। हाँ ये तो सही कहा इसने, क्योंकि इसे तो हम ही कंट्रोल करेंगे। फिलहाल हम पहले से बंद करना पड़ेगा, हम स्टॉल में जा सकते हैं अगर कोई काम पड़ा हम जाएंगे। फिलहाल थोड़ी चेकिंग करे जाए, सबसे पहले तो हमें सेफ बॉक्स ढूंढना, पर वो तो मिला नहीं। सियान की जरूर मिलेगी भाई, सियान जी वाह भाई, वाह भाई सेफ बॉक्स को खोलने की मिलेगी भाई, वाह भाई। ओ तेरी यहाँ तो 3 की लग रही है भाई, ये तो महासंग्राम है, हमें 1 की मिल लिया, पता चल रहा 3 की लगेगी। सेफ बॉक्स मिल चुका है और हमें 2 और की ढूंढने हैं। ये कोई गेम वाला रूम लग रहा है, गेम्स वाला। और यहाँ पे हमें पूल भी मिला जो इस गेम को खेलने के एक मटेरियल होता है पूल को खेलने का, और कोई की पता नहीं कहाँ से मिलेगी। फिलहाल यहाँ पे हमें अपनी कार्ट मिल चुकी है आइसक्रीम 1 वाली। देर इज समथिंग शाइनी ट्रैप्ड अंडर द गो कार्ट बट इट्स टू हैवी फॉर यू टू लिफ्ट इट अलोन। तो क्या हमें कुछ चाहिए इसे लिफ्ट अप करने का? और इसके नीचे है क्या? उत्तर यहाँ तो येलो की है। तो रोड जा रहा है, यही मौका है, स्टॉल पे चलते हैं, कोई तो चीज़ मिलेगी इसे लिफ्ट अप करने की। पर यार काश हम शक्तिमान होते ना, यदि हम सीधा इसे कार्ट लात मारते और हम 2 शटर पार करके आगे जाती कार भाई। हाँ यार भाई यार हम यार शक्तिमान क्यों नहीं है क्या यार। तो गाइस अभी हम स्टॉल में जा रहे हैं। गाइस इस कार्ट गाइस इस गो कार को उठाने के लिए, जैसे गाइस हम गाइस किसी साइकिल वाले की दुकान पे जाते हैं और गाइस वो जब पंचर लगाता है या फिर गाइस मतलब गाइस गाड़ी को ठीक करता है तो कुछ टूल यूज करता है जिससे वो गाड़ी को ऊपर करता है ना। तेरी रोड कहाँ से आ रहा है? तेरी तो रोड आ रहा है, ये डंडा भी यहाँ पे। एरो कहाँ से आया? ऊपर। ओ भाई ऊपर कुछ है,
ये डंडा इसको मार दे। हाँ डंडा मारेगी, डंडा मारेगी इसे। आ जा बेटे, आ जा बेटे, कहाँ है? उतरी उतरी भाई, गया चक्कर आ गया। सबसे चलो इसे डंडा मारते हैं, काश ये नीचे गिर दे भाई डंडे से। मेरे को तो यही काम लग रहा है डंडे का। ओ ये नीचे गिर चुका है, हमें मजंटा की भी मिल गई। मजंटा की, ओ भाई भागो भागो भागो, यहाँ तो रोड आ चुका है। और ये क्या है, हाइड्रोलिक जैक, इससे तो हम अपनी गाड़ी को लिफ्ट अप कर सकते हैं। तो लेट्स गो, हम चलते हैं पार्क में। ओ भाई हम यार हाइड्रोलिक जैक तो अपनी कार में रखना भूल गए। कुछ नहीं होता, पहले मजंटा की लगा लेते हैं। चल ठीक है, ये भी बात ठीक है तेरी। चल फिर भी पेट्रोल हमारा थोड़ी ना फूक रहा है। हाँ वैसे ये तो बात सही है, हमारा थोड़ी है रोड का ही पेट्रोल फूकेगा, हमें तो मजे आएगी उल्टा रोड का पेट्रोल फूकने में भाई। चलो अभी हम स्टोर पे चलते हैं जल्दी से। शक्ल भी गाइस इसकी आधी खाई हुई है। हाँ आइसक्रीम खा रखी है भाई, नहीं इसका जो मास्क है वही खा रखा है। तो हमें अभी हाइड्रोलिक जैक बस ठाना था यहाँ से, हमारा काम तो हो चुका है। लेट्स गो, दरवाजे बंद करते हैं और चलते हैं वापस से पार्किंग पे। तो अभी हम पार्किंग पे भी आ चुके हैं, बस गो कार्ट को लिफ्ट अप करना। और रोड हमेशा यहीं से क्यों आ रहा होता भाई, हमसे कोई प्रॉब्लम है कैसे? कुछ नहीं होता, देखो मैं इसे क्या चखमा देता हूँ। वो डोर भी खुला है ना, आ जाओ अभी इसे ऐसा पागल बनाऊंगा ना तुम भी देखते रह जाओगे। देखो मैं यहाँ से जाऊँगा। तेरी ये तो कुछ ज़्यादा ही चला करो भाई, है कुछ ज़्यादा ही चला करो, हम भी बहुत चला के भाई, हम इधर से निकल लेंगे। बाय 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 उठवा, उल्लू बना दिया बेचारे का। चलो गाइस बस अब गाइस हमें इस येलो की को इस सेफ बॉक्स में लगाना है। लेट्स गो, हमें यहाँ से की कार्ड मिल चुका है। क्या मैगजीन है, भाड़ में जाए हम क्यों फड़े भाई, मैगजीन फड़वा रहे भाई, हम मैगजीन फड़ने थोड़ी आए हैं भाई। ये गाइस पता नहीं क्या हमें गाइस न्यूज़पेपर टाइप कुछ दे रहे हैं। चलो अभी अगर ज़रूरत पड़ी उसकी तो फड़ लेंगे। चलो पहले फैक्ट्री में चलते हैं। ओपन द एग्जिट डोर फ्रॉम द लेबोरेटरी एंड जॉइन योर फ्रेंड्स। ओके तो शायद मोटू ने यहाँ पे ये कार डिलीवर करा दिया उस टनल में से फेंक के। हाँ भाई सही कह रहा है। फिलहाल टू यूज द इंटरफोन प्रेस बटन। ओ तेरी अभी भी आवाज़ नहीं आ रही, जैसे रोड पीछे पड़ रखा है। भाई अच्छा ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा कब आ रहा है। हाँ भाई अब थोड़ी राहत थी मेरी, ये तो गाना ही हॉरर जैसा थोड़ा। चलो हम की कार्ड से अंदर चलते हैं और यहाँ पे एक वेंट है। You need the help of a small animal that can fit through the vent, reach the क्या बोलते हैं बाकी का फंड नहीं पाया। और वहाँ पे एक हैमस्टर है क्या? हैमस्टर। वो लेट्स को हम हैमस्टर से भी तो कर सकते हैं। रोड है, बस रोड बना दे। जिनके बाप भी आने वाला है गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा। भाई बस रोड ना दे भाई। बाप नहीं बड़ा भाई। बड़ा भाई? हाँ भाई बड़ा भाई भी कह सकते हैं क्योंकि नहीं क्योंकि इसी ने इसे बनाया ना भाई। बात तो अभी हम वार्डरोब के अंदर छुपे हैं क्योंकि मेरे को लग ही रहा था कोई शामत आने वाली। भाई वार्डरोब ना खोलियो यार प्लीज भाई प्लीज। भाई सही हो जाएगा भाई अगर इसने वार्डरोब खोला। इसे शक हो रहा है। हाँ वार्डरोब पे ही देख रहा था, चला गया। और शुक्र गया भाई, मेरे को तो डर लग रहा था अभी। अच्छा हुआ बड़ा भाई, अभी इसके बिल्कुल बाहर मत जाइए। ओ यहाँ पे कुछ तो है, सुपर स्टिकी गम, यही था ना नाम, सुपर स्टिकी गम। तो गाइस नाम है, पता नहीं इसका यूज क्या है। यहाँ पे एक अपडेट पैनल है, फिलहाल कोई रोड वोड तो नहीं आ रहा बढ़िया। हम अपडेट पैनल से अपना कार्ड अपडेट कर सकते हैं, तो क्यों ना करा जाए। इस पर होएगा क्या, हमारा कार्ड लेवल 2 का होगा क्या? देखने से तो यही लग रहा है, पहले 1 लिखा रहा था और अब 2 लिखा रहा है। शायद यही गाइस लेवल अपडेट होने की निशानी है। तो पता नहीं अभी क्या करना है, फिलहाल माइक को कॉल करते हैं क्योंकि इसके पास है भाई इलेक्ट्रो गन जो टूट चुकी है, क्योंकि जब ये गिरा था तब ये टूट गई थी भाई। ये हल्की हड्डियां तो टूटी नहीं बल्कि यार यही तोड़ दी पागल से ने। भाई स्कैम हो गया यार ये अलग सीन है, वैसे ही कुछ अच्छा नहीं हो रहा था भाई। और अब इसे ठीक करने के लिए टूल्स की जरूरत है, और टूल्स ये क्या भाई, कंडक्टिविटी ये क्या था भाई, कंडक्टिव एसिड, इसका यूज पता नहीं कहाँ आएगा। फिलहाल यहाँ पे कुछ तो है इलेक्ट्रॉनिक एंकरिंग, तो शायद हम इस पे जब शॉक मारेंगे ये पाइप टूट जाएगा और इससे एक लिक्विड भी टपक रहा है।
हम वो लिक्विड कलेक्ट कर पाए। शायद हम इस लिक्विड को बोतल में कलेक्ट कर सकते हैं। अबे बोतल कहाँ से लाएगा तू। चलो अभी हम इसे यहाँ पर रख लेते हैं। और वेरी स्टिकी मटेरियल एंड इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव फ्लूइड। वेरी स्टिकी, वैसे मैं वहां पे देखा था वो स्टिकी मटेरियल भी पता है और वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव फ्लूइड भी पता है, दोनों मिल के भाई खत्म गन बन गई। पर यार गन का बहुत जगह यूज है, हम उस क्या रोड पे यूज नहीं कर सकते। यहाँ भी है, फ्यूज बॉक्स भी है, पता चले आगे जाके और जगह भी हो। यार एमओ बचा के काम करना पड़ेगा हमें भी। चलो इस पे लगाते हैं, भी लापरवाही नहीं चलेगी इस गन के मामले में। हाँ यार वरना पूरी गेम खत्म हो जाएगी अगर हमने एक भी एमओ का लॉस करा। लेट्स गो, अभी हम वैरिस्टी की मटेरियल इससे मंगवा लेते हैं। और लेवल 2 का की कार्ड तो अपने पास ही रखते हैं ना, इसे फेंक देते हैं ना, हाथ में कैसे लेंगे वरना वो स्टिकी मटेरियल। बस यहाँ पे रोड ना दिख जाए भाई, सारा दिन खराब हो जाएगा। मिनी रोड नहीं भाई, जब थोड़ा दिन खराब होगा ना भाई। जा बढ़िया, अब आधा दिन खराब होगा मेरे ख्याल से भाई। ये क्या चीज़ है भाई, दिन खराब होना ही है मतलब। हाँ भाई तू नहीं कहता, अगर रोड दिखा तो, अब तो मिनी रोड तो दिख ही गया ना। तेरी यहाँ से मैं ये उठा लूँ पहले बस। सुपर स्टिकी गम, इस फैक्ट्री का नाम है। हाँ इसने ये तो सही गेस करा, क्योंकि ये रोड की कंपनी है फ्रोस्टी। पता चले इसे खा के भी मोटे हो रहे हैं, फिर रोड किडनैप कर रहे हैं। रोड कहाँ जा रहा है ये, कहाँ गया, हम तो जा नहीं सकते। शायद ये रोड का प्राइवेट एरिया भाई, ये क्या सीक्रेट रिवील होगा। प्राइवेट एरिया मिल गया भाई, सीक्रेट रिवील। पर हम नहीं जा सकते, हम क्या कह रहे हैं वर्ड में दे। शायद से गाइस इसे भी खोलने का आगे जाके कोई क्लू। तो हमारी इलेक्ट्रो प्लाज्मा गन बन चुकी है। और गाइस अब हमें उस पाइप को तोड़ना है, पर बड़े ध्यान से, जहाँ पे वो टूट रखा था बिल्कुल वहाँ पे करना है एकदम। लेट्स गो, पाइप टूट चुका है और सारा लिक्विड तो गिर चुका है, इसे कलेक्ट कैसे करूँ। यू नीड समथिंग टू कैरी इट, पता नहीं क्या बोतल तो नहीं भाई, बोतल में ऐसे जमीन पे गाड़ गाड़ के कलेक्ट करेगी क्या। वो केमिकल की बोतल भी तो थी। हाँ वैसे लेबोरेटरी में एक चीज़ होती है गाइस, जैसे कि आपने ईवी नन में देखा होगा, ईवी नन की वीडियो में एक चीज़ होती है, उसे पिपलेट कहते हैं, उससे कलेक्ट कर सकते हैं। इतनी नॉलेज तो भाई मेरे को है, वैसे भी हमने ईवी नन में देखी थी, पर ईवी नन में तो भाई उसका कुछ और नाम था, शायद गेम में नाम अलग अलग होते होंगे, पर वैसे तो उसे जनरली पिपलेट ही बोलते हैं। तो अभी अगर हम फ्यूज़ बॉक्स को ये मारे तो फ्यूज़ बॉक्स भी ठीक हो चुका है। मिनी रोड ऐसी तैसी, इसको भी यहीं पे ड्रॉप करके रखते हैं और यहाँ से हम अंदर चलते हैं। लेट्स गो, पता नहीं यहाँ पे क्या मिलने वाला है। मेरे ख्याल से रोड आने वाला है, इससे पहले हम छुप जाते हैं। वो ड्रॉप है ना, टेंशन क्यों ले रहा है, ट्रैप भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमें स्टेबलाइजिंग लिक्विड मिल चुका है। और जैसे कि मुझे याद है थोड़ा, हमने यहाँ से प्रोटीन्स भी तो गिराए थे कहीं पे जब। नहीं प्रोटीन्स तो हमें वहाँ से मिले थे, हमने यहाँ पे गिराए थे है ना। कहाँ गिराए थे यार, कुछ नहीं वो तो ढूंढ लेंगे कैसे भी। यहाँ भी नहीं है, यहाँ से मिले थे, फिर हमने यहाँ पे ला के यहाँ पे ही कहीं यहाँ पे रखे थे, यहाँ पर गिरे थे नीचे, गिराए थे नहीं। चलो गाइस अभी इसका काम नहीं है, उसे हाँ करते हैं, जब काम आएगा तो दिखी जाएगी। तो अभी हमने फ्यूज बॉक्स खोल दिया, हमें स्टेबलाइजिंग लिक्विड मिल चुका है और लेवल 2 का कार्ड रिड्रो तो अंदर ही है, गन भी वहाँ पे है। सब जीचों की लोकेशन याद रखनी है। अब शायद माइकल काम है, इसे लेवल 2 का कार्ड देते हैं, कुछ तो करेगा। ढूंढ भाई कहीं कहाँ होने वाला है इसका यूज, तू ढूंढ। मैंने तो यहाँ का हर जगह ढूंढ लिया, यहाँ पे कहीं यूज नहीं होने वाला। लेट्स गो, अभी यही ढूंढेगा कहाँ इसका यूज है। चश्मे, इट्स अ कंट्रोल रूम, मे बी द बटन द ओपन्स एग्जिट। तो बटन जो अगर हम उसे दबाए तो एग्जिट अनलॉक हो जाएगी, पर यहाँ पर हम नहीं जा सकते, कोई मिनी रोड जा सकता है। पर मिनी रोड हमारी हेल्प क्यों करेगा भाई, ये भी तो है ना, ये कार्ड के लिए कर सकता है, पता नहीं भाई। फिलहाल इधर शायद ये लेवल 2 का कार्ड रीडर लगेगा और यहाँ पे ये मिनी रोड है, शायद हम इसे बनाए तो वो काम कर जाए। पहले हमें इसके ब्रेन में लगाने, वो ब्रेन इन अ जार, उसके बाद यहाँ पे ऑयल डालना है। ब्रेन इन अ जार वो हमें मिला था ना, हमें मिला था, फिर ऑयल डालना है। ऑयल डिपॉजिट भी मिली थी, पर ऑयल डिपॉजिट को उठाने के लिए भी पिपलेट चाहिए होगा भाई, ये उठा सकता है ऐसी चीज़ों को। फिलहाल ये मेमोरीज मेरे को नहीं देखनी भाई, पिंक ड्रेस पिंक ड्रेस की मेमोरीज दिखा रहे भाई। चलो लिस के पास चलते हैं, लिस ही अब सब कुछ करेगी, क्योंकि ब्रेन इन अ जार भी यही ला के देगी। और वैसे भी हम आगे नहीं गए, हमने इस वाले एरिया में ज़्यादा डिस्कवर नहीं करा, हैमस्टर वाला भी नहीं, हमने आगे गए वो एक कमरा जो लॉक था, ब्लॉक था वो वाला,
उससे आगे भी नहीं गए हम, तो शायद हम इधर से जा पाए आगे कहीं। ओह यहाँ पे हम जा सकते हैं, और यहाँ पे कुछ मिलेगा बाय द वे। भाई हम यहाँ कहाँ आ गए? ओह यहाँ पे प्रोटीन्स, ऐड प्रोटीन्स, यहाँ पे प्रोटीन है, यहाँ पे स्टेबलाइजिंग लिक्विड। भाई ये हैमस्टर वाला भी खुल गया, शायद कुछ तो होएगा। मैं तो ये सोच के हैरान कि अब इस हैमस्टर क्या करेगा। भाई मैं भी यही सोच रहा हूँ यार, पता नहीं यार ये हैमस्टर क्या करेगा यार। पहले तो मेरे को पीपलेट मिल चुका है, ये सबसे अच्छी चीज़ हो चुकी है। और ये रोड आ रहा है, रोड के लिए ट्रैप लगा दिया, लगा दिया, वापस ट्रैप बर्बाद। भाई अच्छी चीज है, हमने बहुत सारा कर दिया वैसे भी। गाइस अब ग्रीन लाइट से येलो लाइट हो चुकी है, वैसे भी है कि हमारे यहाँ पर इसे कम नहीं समझना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, इट्स लॉक्ड, तो हम ये खोल लेते हैं ना, लेट्स गो। वैसे भी ब्रेन इन अ जार भी यही है, हमें सबसे पहले ब्रेन इन अ जार तो ठीक है भाई, लेकिन हमें प्रोटीन चाहिए। अरे प्रोटीन छोड़, हमें सबसे पहले पिपलेट चाहिए, कहाँ गया? पिपलेट से ही तो रॉयल उठाना है, इसी से तो वो स्टे वो केमिकल उठाना जो गिरा था वो पिंक सा। ट्रैप भी तो पता नहीं कहाँ लग जाता है, आगे लगाना चाहिए था। अबे ये बंद करो, सामने देखो रोड आ चुका है, और मैं ऑयल डिपोट से ऑयल भी कैसे उठाऊँ क्योंकि रोड आ रहा है। ट्रैप अब लग जाइयो प्लीज प्लीज प्लीज, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। भाई वाली बोतल ले ले, नहीं नहीं अभी हमें तो ऑयल चाहिए, मैं हो जाएगा, हमें लिक्विड चाहिए। सबसे पहले जल्दी से इसका सारा काम करना पड़ेगा हमें यहाँ का, फिर ब्रेन इन अ जार भी लाना है, पर उससे पहले हम वो कलेक्ट कर लेंगे जो भी वो लिक्विड है। अभी यहाँ चाहिए ऑयल टैंक, जल्दी जल्दी 30 सेकंड्स के लिए वो सिर्फ हमारा है भाई, अभी वो वापस जिंदा होने वाला, और इसी के साइड में है, पता चले हम वापस मर जाए। भाई ओह नो 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 हम अच्छा क्राउच करके ही कर रहे थे ये, वरना तो इसे पता चल जाता। सही क्या भाई स्टेबल जो ये भी हमें सीक्रेट लिक्विड मिला ये इसे देते हैं, और उसके बाद अभी ये ब्रेन इन अ जार हमें लेके ला के देने वाली है। पर अगर प्रोटीन नहीं मिला हम गेम पार नहीं कर पाएंगे, और वो पता नहीं हमने भगवान जाने भाई कहाँ फेंक दिया है। यहाँ पे नहीं था वो दूसरे टेबल के नीचे था। कौन सा दूसरा टेबल? टेबल इतने है भाई, घर है क्या ये? घर नहीं फैक्ट्री है भाई, जो भी है भाई क्या है ये, इतना बुलबुलैया। एक तो यहीं से पे हमें ब्रेन इन अ जार मिला था, ये रहा, हमें सबसे पहले तो इसे उठाना है। मेरे ख्याल से ना यहीं पे था वो प्रोटीन, नीचे गिरा था तो। हाँ यहीं से तो कहीं गिरा था, वो नहीं याद ना कहाँ गिरा था। पहले तो मैं अंदर जा रहा हूँ भाई, हम वो मिनी रोड बना दे। तो गाइज मैं पहले से ये दे देता हूँ, और कॉल माइक कर देता हूँ, ब्रेन इन अ जार उठाया और यहाँ से बाहर, बस कोई रोड वोड ना आए अब भाई, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। लेट्स गो, कोई रोड नहीं आया है हमें, बस उसका ब्रेन इन अ जार लगाना है। इससे जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, रोड भी आ गया। कुछ नहीं मेरे पास एक आइडिया है, चाहे अभी हम फंस चुके हैं, ये आ रहा है वहाँ से। भाई हार्ट था भाई थोड़ा, लेट्स गो। अभी हमने क्या चकमा दिया बेचारे को, अभी हमें क्या करना है? पिपलेट को लेना है। हाँ पिपलेट इसके पास है ना, इसी के तो पास था। हाँ ये रहा, तो इस पिपलेट का काम तो लीसी करेगी इस, क्योंकि वहाँ पे डालना था ना तीन लिक्विड थे, एक तो स्टेबलाइजिंग लिक्विड हो गया, एक प्रोटीन हो गया, और एक पता नहीं मैं भूल गया। प्रोटीन तो ये वाला डाल दिया है, प्रोटीन पता नहीं है, पर प्रोटीन ढूंढना पड़ेगा भाई। इस पिपलेट को हम कॉलिंग रूम में लगा के आते हैं भाई, पर ये तो सोच अगर प्रोटीन नहीं मिला तो गेम खत्म। बात तो सही है यार तेरी, पिपलेट वगैरह का कुछ फायदा ही नहीं रहा फिर तो, शायद अंदर कहीं गिरा दिया हमने गलती से। वो जहाँ पे वो ब्रेन इन द जार था उस टेबल के नीचे, ये रहा शायद वो है, वो ये देख, अरे ये रहा प्रोटीन्स भाई। आखिरकार तुम दोनों ओपी हो भाई, तुम दोनों के बिना मैं ये गेम पार ना कर पाता। शुक्रिया मेरे भाई हो भाई, तुम्हारे बिना मैं गारंटी दे रहा हूँ ये गेम पार ना होती आज।
भाई मैं मजाक भी नहीं कर रहा, अब तो तू पकड़ मरवा दे तू, बस रोड ना आ जा फिर। मैं तो ऐसे मजाक में कह रहा था। तो चले रोड आ रहा है अगले दिन। बंद कर दे, कहाँ गया स्टेबलाइजिंग लिक्विड, अब तो ट्रैप भी खत्म हो रखे, दो तो छुपना चाहिए। और गाइस ये आखिरी चीज है जो गाइस हमें उसके अंदर लगानी है। गाइस नहीं आ सकता भाई, वो मिनी रोड रीएक्टिवेट ना हो जाए इतने में। ओ भागा, अब हमने इन्हें लगा तो दिया है, पर यार इनका कोई कॉम्बिनेशन है जिससे ये जार फिल होएगा। अब वो कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पे बहुत सारे केमिकल फॉर्मूलाज है, पर हमें ये नहीं पता इनमें से कौन सा यूज होएगा। कोई तुक्का मारे क्या, सबसे पहले पहला वाला करते हैं। इसमें 1 रेड है, 2 ब्लू है और 3 ग्रीन है। चलो करते हैं 1 रेड 2 ब्लू और 3 ग्रीन, कुछ तो बना है। आगे कर दे क्या, सप्लाई टू द हैमस्टर, हैमस्टर इसे पी रहा है और उससे होएगा क्या। यहाँ पे एक फट्टा भी है भाई, दबे उतरी जिस पे क्रॉस बन रखा है। हैमस्टर ने इसे पिया और ये बड़ा नहीं हो रहा, बड़ा भी और मोटा भी। हाँ भाई, और शायद अब ये फट्टा गिर जाएगा क्योंकि इतना भार। ओह भाई, ये इतना वजन नहीं सह सकता। सच्ची में यार, और रोड भी आ रहा ना, रोड तो चला गया भाई। हैमस्टर के लिए ऐसे ट्रैप्स टाइप हो गया भाई। लेट्स गो, कितना क्यूट है यार, क्यूट सा लग रहा है। लेकिन और इसका काम भी मेरे को पता है। हाँ, जो वेंट था ना एनिमल में, जिसमें ये लो, अब ये क्या करेगा, अबे जा रहे। हाँ, ये शायद ये खोल देगा ना, वो सैबोटाज खोल देगा। उसने कहा था फाइंड अ वे टू सैबोटाज इट, द एग्जिट हैज बीन अनलॉक्ड। पर अभी हमें नहीं जाना, अभी माइक को भी बचाना है। दोनों को बचा के जाएगी उतरी रोड भी। डर ही था गाइस, ओ नो, लास्ट चांस भाई। ओ नहीं नहीं गाइस, हमें बस अपनी इलेक्ट्रिक गन उठानी और उस मिनी रोड पे जो हम बना रहे थे उस पे झटका देने, फिर वो चालू हो जाएगा। यस, और उसे हम वहां पे भेजना है भाई। थोड़ा सा रहता है, कार ना दे भाई, बहुत डर लग रहा है भाई, बहुत डर, बहुत डर। मेरी सांस ये भी नहीं खुल रहा, ये खुल रहा ना, ये भी नहीं खुल रहा, बाहर कैसे जाऊं। ये हम तो फंस गए, हम तो फंस गए, बाहर कैसे निकलूं। कोई नहीं कर गए यार भाई, बाहर कैसे निकलूं। तो नहीं, ये दोनों तो फिट नहीं करे ना। अबे उससे क्या हो जाएगा, इट्स लॉक्ड, कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ का। आई थिंक इसे फिट करना चाहिए था। अबे उससे कुछ नहीं होएगा, इट्स लॉक्ड। हम अब करें, ओए कुछ टेस्ट होना था ना। नहीं, पहले वाले जब हमने स्फीयर को डाला, ओ इस पे यू लिखा है, यू। ओए कुछ तो हुआ। एस्केप थ्रू द गेट, पिक अप 1 द टेस्ट पीसेस। अच्छा, इनमें से एक को पकड़ना है। इन्हें लग ही रहा था इन्हीं का कोई काम हो सकता है। ब्रेक द वो फ्लिकिंग बल्ब, कहाँ है बल्ब, कहाँ है बल्ब, अबे कौन सा बल्ब। पहले सारे लगाना, उसके बाद ही कोई। नहीं नहीं, इन्हें बोला ब्रेक द फ्लिकिंग बल्ब। अच्छा ये वाला, ये वाला। द बल्ब लुक्स लाइक इट इज अबाउट टू ब्लो। ओके तो ब्लो कर दो, कर दो कैसे फेंक के। उतरे, ये वही सही था यार ये। अब क्या होएगा, पिक अप इलेक्ट्रोप्लाज्मा गन। अच्छा अब ये अंदर देखने आया कि ये क्या फुटा है, और अब हमें बस इलेक्ट्रोप्लाज्मा गन से मुंह करना है। ये सुख जा भाई, अगर इस बार हो गया ना कुछ। ओ पागल, तुम मेरे को अलग हार्ट अटैक दे रहे हो, पागल हो, मेरे को हार्ट अटैक दिलवाओगे तुम। मुड़ो भाई, अभी मैं तुम्हारे चक्कर में मर भी जाता, हार्ट अटैक दिला रहे हो मेरे को अलग ही। यार मैं सच्ची बड़े खतरनाक ऑर्डर लग रहा है इसे। बस रोड ना, बाहर बैठे ऐसी तैसी कर दूंगा, वापस कूलिंग रूम के अंदर चला जाऊंगा मैं तो। भाई लास्ट टाइम भाई बड़ा डर लग रहा है, मैं एक हल्का सा भी रिस्क नहीं लूंगा भाई। भाई ध्यान से देख देख के भाई, नहीं है नहीं है, देख ले आगे, देख ले यहाँ। अब क्या करना है, गिव द स्पार्क टू द लाइफ ऑफ मिनी रोड, कर दू भाई। मे बी अ गुड इलेक्ट्रिक शॉक सेट, कर दू। लेट्स गो, ये कंप्यूटर ऑन चुका है, अब हमें इसे प्रोग्रामिंग करनी है कि इसे कैसे जाना है। तो सबसे पहले अगर ये राइट, क्योंकि इस बटन को प्रेस करना है, तो ये कैसे जाए, सबसे पहले राइट, फिर ऊपर जाएगा, फिर लेफ्ट में, फिर अप, फिर लेफ्ट, है ना, हो गया। तो सबसे पहले
राइट है ना, राइट राइट आ गया, फिर अप 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 अप, फिर अप के बाद लेफ्ट, लेफ्ट कोई आ रहा है लेफ्ट, फिर यहाँ के बाद अप 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 अप, फिर वापस लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट, लेट्स गो। अब इसे रिकॉर्ड कर दूँ क्या? हाँ रिकॉर्डिंग पेट्रोल रूटीन, लेट्स गो। अभी से चख लूँ, अभी से भेजते हैं, लेट्स गो। अभी सब हो गया, अब तो पागल मेरा मिनी रोड तोड़ेगा, मिनी रोड ना टूट जाए भाई मेरा, ऐसे भी उठ सकते क्या? पता चले सही में टूट गया ये मेरा, चलो ये जा रहा है, अजीब लग रहा है देखने में भाई, भाई। बस अब मेरे को बचना है, वो बटन तो दबा देगा है ना, तो मैं यहाँ पे छुप जाता हूँ थोड़ा, ऐसे लिविंग रूम में क्यों नहीं जाए? नहीं नहीं वो उसे भी तो देखना बेचारा, रोबोट क्या कर रहा है वहाँ, तेरी ऐसी बार बार कैसे देख लेता है वो, कहाँ पे थी एग्जिट, कहाँ थी, उसने दबाया क्या, दबाने वाला है बस, जल्दी कर दे तेरी ऐसी कैसी, दबा दिया, दबा दिया, द एग्जिट हैज बीन अनलॉक्ड, एग्जिट थी कहाँ, एग्जिट ये रही ना, चलो दोनों आगे, लेट्स गो गाइस, गाइस ये अब कंप्लीट हो चुकी है, और गाइस ये हमने बिल्कुल लास्ट अटेम्प्ट में बहुत डरते डरते किया, बहुत डरते डरते भाई सही में, आखिरकार गाइस जान मुंह के अंदर आ गई थी, मैं गाइस सच बताता हूँ, गले में आ गई थी भाई जान, ऑफ कोर्स लेट्स गो। अब ये भी जा रहा है, आई डोंट वांट टू स्टे इन फ्रंट ऑफ एवरीवन सिली, आ तो ये यहाँ पे आ चुकी है, और ये भी आ चुका है भाई, और गाइस शुक्र है साइड में की, हाँ। अब ये गाइस इसकी मुंडी का, और इसने सारे केक खा लिया, अरे भाग रहे, अरे भाग रहे भाई, खत्म भाई मरे, ओ भाई अरे कैसे भाग रहा, अब क्यों भागता है, ओ तेरी आ ना, ओ ये यहां पे आ जाएगा रोड को तो पता चल जाएगा हम कहां है, पागल यहां आ गया भाई, रोड भाई अब कैसे बाहर जाएंगे, पागल से यही जगह मिली थी आने के लिए, पागल कहीं का, तू अगर चला भी जाता वैसे भी इसने भी ज्यादा कुछ किया नहीं तेरे को, नहीं कहीं छुप जाता वो रूम में, इसे यही जगह मिली थी, अब इसने लोकेशन रिवील करवा दी हमारी, इससे तो सो नहीं जाता भाई, अब तो आइसक्रीमेट की मिस्ट्री और ज्यादा खतरनाक होने वाली है भाई, पर एक सेकंड ये क्या है भाई, ये चार कमरे अभी, हाँ हम ये चार वो वाले कमरे है ना जहाँ से रोड आया था उसको मोटो को पकड़ने के लिए, हाँ भाई और वहाँ से एक रुको ये क्या, रुको ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे, कमरों की कोशिश नहीं कर रहे, आइसक्रीम में विलन, शायद उस न्यूज पेपर में इसी की बाहर है, आइसक्रीम में विलन आए भाई, ओ भाई ये क्या सिस्टम, तो गाइस अब मेरे को पता चला उस न्यूज़पेपर में क्या लिखा था, तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, तो गाइस इविल नन को बर्थ देना था एक गर्ल को, पर उसको कोई भी गर्ल नहीं मिली, तो उसके लिए उसने एक रिचुअल परफॉर्म करा जिससे एक लॉर्ड आया, और ये सच्ची बात है भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, एक लॉर्ड आया, उसने कहा मैं तुम्हें एक बर्थ दे दूंगा एक चाइल्ड को, पर तुम्हें उस दो रूल्स मानने पड़ेंगे मेरे, उसने बोला मेरे को एक्सेप्ट एक्सेप्ट रूल्स उन्हें बिना ही, उसके बाद उसने बर्थ दिया, पर बर्थ देने पे उसे नहीं पता था कि उसने किसको बर्थ दिया, वो गर्ल नहीं थी एक बॉय था, उसे बहुत गुस्सा आया और उसने उसको घर से बाहर निकाल दिया बॉय को जब वो बेबी था, और जोसेफ सुलिवन जो रोड का पापा है उसे उसने वो बेबी दे दिया, बाद में उसने जोसेफ सुलिवन को भी मरवा दिया था क्योंकि वो रोड से नफरत करती थी, क्योंकि वही था जिसकी वजह से उसका बेबी गर्ल नहीं आ पाई थी, और ये पिंक ड्रेस उसने अपनी बेबी गर्ल के लिए ली थी, और मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ, उस जो इविल था वो लॉर्ड जिसकी पूजा करती थी वो इविल नन, उसने कहा था मैं तुम्हें चाइल्ड तभी बोर्न कराऊंगा जब तुम 40 साल तक मेरी पूजा करोगी, और 40 साल तक तुम स्कूल से बाहर नहीं जा सकती, तो शायद से 40 साल इसके कंप्लीट हो चुके हैं तभी ये स्कूल से बाहर आई है, और आइसक्रीम एट में भाई अब क्या होएगा हमारा, ये तो रोड को भी मार सकती है, नहीं भाई मेरे ख्याल से ये पार्टनरशिप में आएंगे भाई, हाँ ये भाई मजा आ जाएगा, थोड़ा डर अब अगली गेम मेरा लग गया अगला पार्ट आइसक्रीम एट, अब गाइस बवाल मचा देने वाली है गाइस, इस आइसक्रीम की सारी सीरीज में सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से हॉरर होने वाली है, क्योंकि गाइस ये दोनों गाइस पार्टनरशिप में आने वाले हैं, तो गाइस फिनाले होने वाला है वो, तो चलो मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।